जीतते ही हम लोग, और कोई आप लोग को रोक सकता है? हम लोग को तो रोका जाता है। आप तो बोलगा पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को मौका नहीं, लोगों का नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए, हम लोग तो आप ही लोगों का सुट के पड़े। देखिए सदन नौजवान और नए लोगों को मौका भी देती है, आप अगर सुन लीजिए उनका। अध्यक्ष मैडम शॉर्ट में एक मिनट में समाप्त करिए। आपने जिसका जिक्र किया, हम लोग पूरी तरीके से सरकार में थे उस समय, हम लोगों के रहते हुए में लागू हुआ, ये बात सच है। लेकिन मैच शुरू हुआ इस पे चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है। मैच के टाइम तो हम लोग थे नहीं, जब इंप्लीमेंट करना था दारू तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिए ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक बताइए, अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय, सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही है बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय, कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय, सारे सदस्य शपथ लिए। और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था। हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बैठे, पूरे शराबबंदी तो छोड़िए, होम डिलीवरी होता तो सबको पता है, जानकारी क्या देना है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? आप बैठ जाइए, अब दो मिनट इसमें देखिए, क्योंकि गृह मंत्री अध्यक्ष नेता सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अब बताइए पूरे हाउस में आप ही दोनों को अध्यक्ष से सदन चलानी है तो बैठ जाए। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है, और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद है, हम सवाल ना पूछे महोदय। चिट्ठा क्यों पहुंचाते हैं? सक्षम है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में? आ जाइए बैठिए, जवाब देना चाहिए महोदय। बैठिए ना,